अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही प्यारे से फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। ये फ्रॉक मैंने 3 लेयर्स वाला बनाया है और इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी मैंने ऐड की है। ये सिबलिंग ड्रेस मैंने अपने बच्चों के लिए बनाए हैं। उम्मीद आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फ्रॉक को तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन 3.5 मीटर लॉन कॉटन मिक्स फैब्रिक लिए। फ्रॉक पर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 1/2 मीटर पिंक कलर का फैब्रिक लिया और छोटी छोटी स्मोसा लेस लिए। एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिए और पर्ल्स लिए हैं फ्रॉक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने फैब्रिक में से एक पीस कटिंग किया है। इसकी लेंथ और जो विड्थ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आर्म होल की और जो गले का निशान है वो मैंने फर्जी ड्रा कर लिया, क्योंकि मैंने इसमें पैटर्न ड्रा करना है एम्ब्रॉयडरी के लिए, तो मैंने ये निशान लगा ली है। तो इस तरीके से आपने पैटर्न एम्ब्रॉयडरी के लिए तैयार करना है। इसके बाद मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है। ये मैंने निशान इस वजह से लगाया है क्योंकि यहाँ तक जो बॉडी की लेंथ है वो तैयार है। तो कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा इसमें कटिंग की है क्योंकि मैंने जब इसको फ्रेम में लगाना है तो फ्रेम में मुझे एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत होगी, तो इस वजह से मैंने लेंथ में कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। तो इसको इस तरीके से फ्रेम में आपने डालना है, धागा सुई में डालकर डबल करके तो आपने एम्ब्रॉयडरी शुरू करनी है। सबसे पहले आपने एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट स्टेम स्टिच से करनी है। तो जितनी भी ये सारी एम्ब्रॉयडरी में ये जो मैंने स्टेम्स बनाई हैं इसमें मैंने स्टेम स्टिच से इसको सारा फिल कर लेना है। स्टेम्स से मैंने ये सारी जो स्टेम्स है वो मैंने फिल कर ली हैं। अब इसके बाद लेज़ी डेज़ी स्टिचेस स्टार्ट करने हैं। तो स्टेम्स के साथ ये जो मैंने छोटी छोटी लाइंस लगाई हैं इस पे भी मैं लेज़ी डेज़ी ये स्टिच यूज़ करके तो एम्ब्रॉयडरी करूँगी, और जो फ्लावर्स हैं उनमें भी मैं ये लेज़ी डेज़ी जो स्टिचेज़ हैं वो यूज़ करूँगी। तो इसमें मैंने 3 एम्ब्रॉयडरी के जो स्टिचेज होते हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। लेज़ी डेज़ी के स्टिचेस के दरमियान में मैं पर्ल्स लगाऊंगी, तो जब फ्लावर्स में मैं लेज़ी डेज़ी स्टिचेस करूंगी तो उनके दरमियान भी मैं पर्ल्स लगाऊंगी। Finding
इसी तरीके से लेज़ी डेज़ी स्टिचेस यूज़ करके तो आपने ये सारे फ्लावर्स तैयार कर लेने हैं। इन सारे फ्लावर से हटकर मैंने एक थोड़ा बड़ा फ्लावर इसमें ऐड किया है और इसके दरमियान में मैंने ये जो नॉट्स होते हैं वो मैंने लगाए हैं। इसमें मैंने पर्ल्स नहीं लगाए, तो इसके दरमियान में मैं सारे ये नॉट्स से ये तैयार करूँगी। एम्ब्रॉयडरी सारी मुकम्मल हो चुकी है। अब इसकी जो लेंथ है वो मैं मार्क करके, तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो मैं कटिंग कर लूँगी। तो 9 इंच पे मैंने मार्क किया है। तैयार होने के बाद इसकी जो बॉडी है वो 8 इंच हो जाएगी। कपड़ा मैंने थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी के लिए एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि फ्रेम में मैंने इस कपड़े को लगाना था। तो सेम इसी तरीके से ये एम्ब्रॉयडरी के यही सारे स्टिचेज यूज़ करके तो मैंने ये पॉकेट बनाई है और पॉकेट के ऊपर ये मैंने पिंक कलर में कपड़ा लगाया है। सेम इसी तरीके से जिस तरह बॉडी पे मैंने एम्ब्रॉयडरी की है, सेम इसी तरीके से पॉकेट पे भी की हुई है। इस पॉकेट की जो तैयार लेंथ है वो 6 इंच है और जो इसकी तैयार विड्थ है वो 5 इंच है। ये मैंने पहले से तैयार कर दिया है, साइड पे अंदर वाली साइड फोल्ड करके इसको प्रेस लगा दिया है। सेम इसी साइज़ में मैंने बैक पार्ट भी लिया है जोक का। इनकी जो लेंथ है वो 9 इंच है और जो विड्थ है वो 19 इंच है। अब इसके बाद फ्रंट और बैक पार्ट को फोल्ड करके तो ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो ड्राफ्टिंग में सबसे पहले बैक पार्ट को फोल्ड करके नीचे रखेंगे, फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस बैक का निशान लगाना है। क्रॉस बैक इसकी 6 इंच है। आर्म होल की लंबी लाइन लगानी है, ड्रा करनी है। आर्म होल 6.5 इंच है और इसके बाद एक और इस तरीके से आपने लाइन ड्रा करनी है। जो चेस्ट है, चेस्ट 7.5 इंच है। 7.5 इंच पर मार्क करके आपने हल्की सी इस तरह से शेप देनी है। इस पर कमर का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ये मैंने छोटी जो योक होती है वो वाला फिराक बनाया है। इसकी जो नेक की विड्थ है वो 2 इंच है और टेक की शेप का मैंने निशान लगाया है और निशान लगाने के बाद इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है। योक की कटिंग के दौरान आपने आर्म होल की थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है ताकि फ़िराक पहनने के बाद आगे बाजू में झोल ना आए, तो इस वजह से यहाँ से डीप कटिंग होती है थोड़ी सी। अब नेक तैयार करने के लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है और नेक की जो विड्थ मैंने रखी है वो 2 इंच है और जो लेंथ रखी है वो 4.5 इंच है। 2 इंच पे आपने इस तरीके से एक लाइन ड्रा करनी है। ड्रा करने के बाद आपने हल्की सी गुलाई की शेप देते हुए इस निशान के साथ आपने मिला देना है। तो सारे निशान लगाने के बाद आपने सबसे पहले साइड से कटिंग करनी है। साइड से कटिंग करने के बाद आप अंदर से कटिंग कीजिएगा, इससे जो नेक की जो गुलाई होती है वो बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो कटिंग करने के बाद इसको कपड़े पर इस तरीके से प्रेस की मदद से चिपका के साइड पर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई की मदद से आपने इस नेक को तैयार कर देना है। अब इस गले को फ्रंट जोक पे कुछ इस तरीके से आपने रखना है। रखने के बाद बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अंदर 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए आपने कपड़ा जो एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर लेना है और कट लगा लेना है। कट आपने लाजमी लगाने हैं ताकि जब हम गले को अंदर वाली साइड पर फोल्ड करें तो इसमें चुन्नट ना आए। तो अंदर वाली साइड पर फोल्ड करके आपने एक दबाव की सिलाई लगानी है, इससे जो गले की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी से होगी। अब आपने जो जोक का बैक पार्ट है इसको कुछ इस तरीके से रखना है क्योंकि अब इसके बाद बैक जो नेक है वो मैंने तैयार करनी है, बटन टेक मैंने तैयार करनी है। तो बैक नेक की जो डीप है वो मैंने 1.5 पे निशान लगाया है और नीचे जो कट है वो मैंने तकरीबन इसका 1.5 इंच पे रखा है। तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपने साइज़ के मुताबिक। अब बटन टेक को तैयार करने के लिए मैंने ये कपड़े का पीस कटिंग किया है। इसकी लेंथ और जो विड्थ है वो मैंने अपने साइज़ के मुताबिक कटिंग कर ली है। तो इसको योक की जो फ्रंट साइड है उसको इस तरीके से इसके ऊपर आपने उल्टा रखना है और योक की बैक साइड पे आपने किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है जिस तरीके से ये नेक कटिंग हुआ है। तो सिलाई लगाने के बाद अंदर से मैंने ये कट लगा ली है। तो इसको अब आपने उल्टी साइड पे इस एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर वाली साइड पे आपने फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपने तकरीबन 1-1 इंच के मार्जिन पे आपने इसको कटिंग कर लेना है। तो मैं क्योंकि ये नेक बनाती रहती हूँ तो मुझे इसकी प्रैक्टिस है, तो मैं निशान लगाए बगैर ही इसकी कटिंग कर लूँगी। तो आपने पहले अगर आप ये पहली बार बना रहे हैं तो 1-1 इंच पे आपने निशान लगाना है और उसके बाद ही कटिंग करनी है ताकि ये जो नेक है वो सही सफाई से बने। तो अंदर वाली साइड फोल्ड करके सिलाई लगाने से पहले जो ऊपर कंधे हैं वो मैं पहले इसकी अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से आपने इस कपड़े को फोल्ड करके तो ऊपर आपने 2-3 बार सिलाई लगानी है ताकि जो नेक की जो मजबूती है वो सही अच्छे से हो, पहनने के बाद गला यहाँ से निकल ना जाए। अब इस कपड़े को अंदर वाली साइड पे आपने फोल्ड करके तो किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है।
चूँकि ये मैंने लेयर्स वाला फ़िराक बनाया है तो इसलिए मैंने पहले से ये लेयर्स कटिंग करके रख ली है। इनकी तीनों की जो लेंथ है वो 9 इंच है। फर्स्ट लेयर की जो विड्थ है वो 30 इंच है, सेकेंड लेयर की 41 इंच है और थर्ड लेयर की 55 इंच है। अब आपने इन तीनों लेयर्स के ऊपर वाली साइड पे मशीन का टांगा बड़ा करके तो आपने सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने लगा ली, आपने एक सिलाई का फ्रंट धागा पकड़ना है और दूसरी सिलाई का आपने बैक धागा पकड़ के तो इस तरीके से आपने चुनटे डालनी है। फर्स्ट लेयर की जो आपने विड्थ चुनटों की रखनी होगी वो अपने योग के साइज़ के मुताबिक रखनी होगी। जो सेकेंड लेयर की विड्थ होगी वो अपने फर्स्ट लेयर की विड्थ के मुताबिक रखनी है और जो थर्ड लेयर की विड्थ होगी वो अपने सेकेंड लेयर की विड्थ के मुताबिक रखनी है। तो इस तरीके से आपने चुनटे डाल के तो इनकी जो विड्थ है वो आपने बराबर कर लेनी है और फिर इस तरीके से आपने इनको रख के चेक करना है और इस तरीके से आपने रख के तो ऊपर सिलाई लगानी है। उस तरीके से तीनों लेयर्स को इस तरीके से आपने रखना है और ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। ये फ्रंट पार्ट मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ, बैक पार्ट भी आपने सेम इसी तरीके से ये आपने तैयार करना है। मैंने फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो दोनों मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इन लेयर्स को आपने योक के साथ अटैच कर देना है। अब लेयर्स के ऊपर मैंने ये दबाव की सिलाई भी लगाई है ताकि पहनने के बाद फ़िराक की जो सिलाइयाँ हैं वो निकल ना जाएं, तो इससे फ़िराक की जो मजबूती है वो ठीक से होती है। अब फ़िराक को उल्टा करके तो आपने फिटिंग की जो सिलाई है वो पहले आपने लगा देनी है। फ्रॉक पे फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया। अब इसके बाद इसके ऊपर पॉकेट लगानी है तो ऊपर से तकरीबन इसका आपने 6 इंच या 7 इंच फासला छोड़ के तो आपने ये पॉकेट अटैच करनी है। अब डिज़ाइनिंग के लिए मैंने कपड़े के पीसेस कटिंग की हैं। फ्रॉक के जो कपड़ा है उस पर भी और जो पिंक कलर का कपड़ा है उस पर भी मैंने ये जो पीस है वो कटिंग की है। इन दोनों की जो लेंथ और विड्थ है वो 3-3 इंच है, तो इसको इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और दरमियान से कट लगा लेना है। ये जो पिंक कलर में कपड़ा है इसको भी आपने इस तरीके से फोल्ड करके कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद इन दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख के तो आपने सिलाई लगा लेनी है। अब इन सारों को आपने सीधा करके पहले प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने के बाद फिर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखे तो आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है डिज़ाइनिंग के लिए। तो ये मैंने इस तरीके से ये दो रख के तो इनके ऊपर मैंने सिलाई लगा कर तो इस तरीके से आपको तैयार करके दिखाया है। तो आपने इस तरीके से सारे जो मैंने डिज़ाइन तैयार की हुई है इस तरीके से रखते जाना है और सिलाई आपने लगाते जाना है। जितनी फ़्राक के नीचे घेर की विड्थ थी इतनी मैंने इस डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। जितनी मुझे इसकी विड्थ चाहिए थी मैंने इस डिज़ाइन को एक दूसरे के साथ मैं जोड़ती गई हूँ, सिलाई लगाती गई हूँ और मुझे फ्रंट बैक की जितनी चाहिए थी विड्थ वो मैंने तैयार कर ली है। तैयार करने के बाद अब इसके ऊपर आपने प्रेस लगानी है। प्रेस लगा कर तो आपने पेस को तैयार कर लेना है। प्रेस मैंने लगा दी है और लगाने के बाद इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी से हो गई है। तो अब आपने फ्राक की उल्टी साइड पे इस तरीके से आपने रखना है और किनारे किनारे पे मशीन का जो पाँव का फासला है वो छोड़ के तो आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
सारी सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसको आपने अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके, तो सबसे पहले आपने प्रेस लगानी है ताकि फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आए। अब इसके बाद जो समोसा लैस मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाई थी, उसको इस तरीके से आपने नीचे रखना है और किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। ऐसे जो डिज़ाइन है उसकी मजबूती भी ठीक से हो जाएगी और जो लैस है वो भी साथ इसके अटैच होगी, एक सिलाई में ये दोनों कवर हो जाएंगे। लेस लगाने के बाद आपने ऊपर वाले कपड़े को भी इस तरीके से फोल्ड करके तो आपने सिलाई लगा देनी, और साइड पे जो फ्राक की खुली वाली साइड है उसको आपने इस तरीके से डबल सिलाई में लगाते हुए ख़त्म कर देना है। अब मैंने बाजू की कटिंग के लिए ये डबल पीसेस को इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद जो लेंथ है वो 19.5 इंच है, तो 19.5 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली है, जो विड्थ है वो 8 इंच है। तो इस तरीके से पहले 3 इंच पे मार्क करना है, 2 इंच पे आगे इस तरह निशान लगाना है, और आर्म होल की तरह से गुलाई देते हुए ऊपर किनारे पे आपने निशान लगा देना है। नीचे जो इसकी मोरी है वो मैंने 6 इंच रखी है, तैयार मैं 5 इंच पे करूँगी। तो इस तरीके से निशान लगाकर तो आपने बाजू की कटिंग कर देनी है। बाजू जो है वो भी इसके बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ जो मैंने फ्राक के नीचे जो मैंने डिज़ाइन तैयार किया था वो मैंने बाजू के लिए तैयार किया, और उस पर इस तरीके से ही लगाऊंगी जिस तरीके से मैंने फ्राक पे ये नीचे लगाया है। इस तरीके से रख के तो इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दूंगी, तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मैंने किस तरीके से तैयार किया है। तो डिज़ाइन जो फ्राक मैंने बनाया था उस पर तो मैंने सिर्फ नीचे ये लेस लगाई थी, लेकिन बाजू पर मैंने ये डबल लेस लगाई है, नीचे भी और ऊपर भी है। तो बाजू को इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, और ऊपर आर्म होल है जितना था उतनी आपने उतना निशान लगाना है, और नीचे आपने मोरी का निशान लगाकर इस तरीके से इन दोनों निशानों को आपस में मिलाकर तो सिलाई लगा देनी है। दोनों बाजू आपने इस तरीके से तैयार कर देने हैं। दोनों बाजू पे मैंने सिलाई लगा लिया। अब इस बाजू को जो है वो सीधा करना है, सीधा करके तो अब गुलाई में हमने फ्राक के साथ ये जो बाजू है वो अटैच करने हैं, तो फ्राक उल्टा ही रहेगा, बाजू सीधे करने हैं, और अंदर इस तरीके से करके तो आपने गुलाई में बाजू लगाने हैं। तो सबसे पहले जो फ्राक है उसको मैं उल्टा कर लूँगी। इस तरीके जो सिलाइयाँ हैं वो आपने बराबर करके तो गुलाई वाली साइड पे आपने सिलाई लगा कर तो बाजू को अटैच कर देना है। तो ये हमारे फ्राक की फाइनल लुक है। इसको मैंने सीधा कर लिया, एक्स्ट्रा धागे वगैरह मैंने कटिंग कर लिया, और प्रेस की मदद से मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसके साथ मैंने सिंपल पजामा बनाया है। इसके साथ ये जो पिंक कलर का मैंने कंट्रास्ट किया, ये बहुत ही ज़्यादा पहनने के बाद उठ के आ रहा था। जब मैंने अपनी बेटी को पहनाया है तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके साथ मैंने नेट का दुपट्टा लिया है, जिसके साथ मैंने सिंपल पीको करवाई है। तो नीचे से ये जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो ये मैंने ड्रेस अपने बेटे के लिए तैयार किया, कुर्ता मैंने उसका बनाया है। इसकी पट्टी में मैंने हल्का सा पिंक कलर में टच दिया, और जो बटन है वो भी मैंने पिंक कलर में लगाए हैं, ताकि जो ड्रेस है इनके वो सेम हो, मैचिंग हो रहे हों। तो ये जो पट्टी है ये थोड़ी सी बनाने में मुश्किल थी, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इन ड्रेस पे मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग गया ये ड्रेस तैयार करने में। तो अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।